वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और स्मार्ट सपोर्ट चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ द डे की। तो फ्रेंड्स आज का मीनिंग ऑफ द डे है बारात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ, इसमें भी करूँगा कि फ्रेंड्स आप अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं या अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ऐसे वर्ड्स की मीनिंग लर्न कीजिए जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में वर्ड्स यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स इस चैनल पर एक सीरीज और चल रही है, वो इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे, और इन्फॉर्मेशन ऑफ द डे सीरीज में पर डे आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो जीके जीएस से रिलेटेड होता है, जिससे आपका जीके लेवल थोड़ा सा इंप्रूव होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स टेक्निकल वीडियोस भी मिलती हैं, डीवाई की वीडियोस भी मिलती हैं, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको इसी चैनल पर आपको कटिंग स्टिचिंग की वीडियोज भी मिलती हैं। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आज के मीनिंग ऑफ द डे की। तो फ्रेंड्स बारात को इंग्लिश में प्रोसेशन बोलते हैं। फ्रेंड्स प्रोसेशन बारात फ्रेंड्स क्या होता है, शादी विवाह में जब शादी में जब दूल्हे की तरफ से लोग जाते हैं लड़की के घर पर, तो फ्रेंड्स उसी की बात हो रही है, वही बारात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बारात को इंग्लिश में प्रोसेशन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलता है एक नई फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।